किस गल दा पंगा तू पड़ाए। आपकी इसी अच्छाई ने मेरे दिल को आपका दरविदा बना दिया, इस हद तक कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मोहब्बत? नहीं नहीं मेरा और आपका स्टेटस मैं ये फोर्ट नहीं कर सकती। मोहब्बत स्टेटस नहीं देखती माँ, इन ऐसी मोहब्बत वबाल बन जाती है। वैसे भी अनम कहाँ गांव जाती है, और मेरी अम्मा को शहर में रहने की आदत नहीं है। गांव? जी मैं गांव से ही हूँ और मेरी अम्मा भी गांव में ही रहती हैं। वो तो अचानक मेरी यहाँ पर पोस्टिंग होगी और उसके बाद मेरी अनम से शादी होगी। आज अनम नहीं आई ना? Oh my God, I can't believe it. उसने इतने झूठ बोले हैं यार हमसे। वो कह रहा है कि उसी गाड़ी वर्कशॉप पे होगी। उफ खुदाया, अनम इतने झूठ बोल सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। निशा मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, वो तो एटीएम में मेरा कार्ड स्टक हो गया और बैंक में उसके हस्बैंड से मुलाकात हो गई, वरना सच्चाई पता ही ना चलती। वो तो मैनेजर है ना वहाँ? हाँ मैनेजर नहीं, ग्रेड 3 का ऑफिसर है, और उसकी माँ गांव में रहती है, यूएस में नहीं। रियली? अनम ने हमसे इतने सारे झूठ क्यों बोले? बिकॉज शी इज अ फेक पर्सनैलिटी। इतने झूठ वो भी फ्रेंड्स के साथ? दिस इज टू मच यार। छक्कड़ा छक्कड़ा बाइक पर जा रही थी वो और मुझे कहती है मेरे हस्बैंड आएंगे गाड़ी पे लेने। यार वो ना जाने कितने झूठ बोलती रही है हमसे, और हमें उसके किसी झूठ के बारे में कुछ पता नहीं चला। यार हम उस पे कितना ट्रस्ट करती रही हैं। Really, it's disgusting. तुम लोग कुछ सोचो, जो अपने फ्रेंड्स के साथ फेयर नहीं है वो किसी और के साथ क्या फेयर होगा? 100% exactly यार, मैं तो कहती हूँ अब हमें उस झूठी से ना बात भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो, नहीं करेंगे मुझसे बात। बोलो, चुप क्यों हो गई? क्या बकवास कर रही थी मेरे बारे में? तुम्हारे ही झूठ डिस्कस कर रही थी, कर्टसी में चुप है। तुम तो हमें अपना दोस्त कहती थी ना, और दोस्तों से झूठ बोलती रही। शेम ऑन यू अनम, शेम ऑन यू। शट अप, यू शट अप। झूठी धोखेबाज, मेरे झूठ से तुम्हारा क्या जा रहा है? गया है, बिल्कुल गया है। हमारा ट्रस्ट शेक हुआ है, हम तुम्हें अपना दोस्त कहते थे, तुम पे ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब तुम जैसी झूठी हमारी दोस्त कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। दोस्त मेरे झूठ से उनका क्या जा रहा था कि मेरी बेइज्जती कर दी, इतना मेरा मजाक बनाया। मैंने दोस्ती करनी नहीं, करूंगी नहीं मैं दोस्ती किसी से भी, अब बाहर में जाए सब। आप उन्हें, मेरे एक फ्रेंड सलमान है जो कि दुबई से आया, तो आज शायद मैं तुम्हें पिक नहीं कर सकूंगा, उसके साथ कैसे हूँ। मैं घर आ गई। क्यों, खैरियत इतनी जल्द? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आ गई। अच्छा, शाम को सलमान मेरे साथ घर आएगा तो प्लीज कुछ बना लेना। मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप बाहर से खाना ले आओ। आ गई जरीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सोचा चलकर आपके और नवीद की खैरियत ही पूछ लूं। कैसा है नवीद? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। अरे भाई शगुफ्ता, जैसी लड़की तुम चाहती थी ना
वैसी लड़की मिल गई है, देखो। अच्छा दिखाओ। जरीना ये तो बहुत। अरे भाई तो क्या हुआ, तुम्हें ही अमीर कभी लड़की चाहिए थी। शुक्ता पता है 5 भाइयों की इकलौती बहन है और 5 भाई अमेरिका में सेट हैं। कह रहे थे जहेज में घर गाड़ी सब कुछ देंगे और तो खूब सारा जेवर डालेंगे। वो तो ठीक है लेकिन। अरे भाई छोड़ो भी मोटापे का, राइटिंग करवाना, खूब फाके करवाना। खुद ही कुछ दिन में दुबली पतली हो जाएगी। चलो देखते हैं। हाँ मुझे पता था कि तुम्हें ये रिश्ता जरूर पसंद आएगा। अच्छा चलो भाई मैं तो चलती हूँ, शाम को चलेंगे चलकर लड़की देखेंगे। चलो चलते हैं। ठीक है ठीक है। जॉब करूंगी, गाड़ी लूंगी और इन सबको नीचा दिखाऊंगी, मुझे देख के बात बना। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है मिस अनम। जी मैं हमेशा पोजीशन होल्डर रही हूँ। गुड, बट मैंने ये देखा है कि आपने एमएससी अभी कंप्लीट नहीं किया। मेरी प्रिपरेशन मुकम्मल है, 2 महीने बाद एग्जाम्स है, मैं कर लूंगी। अर्जेंटली तो हमें एक टीचर की रिक्वायरमेंट है बट क्लास 1 के लिए। क्लास 1 तो बहुत छोटी क्लास है। जी सिर्फ यही वैकेंसी है, अगर आप छोटे बच्चों को हैंडल कर सकती हैं तो ओके। फिर आप क्या कहती हैं? अब ठीक है मैम, मैं कर लूंगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। 25,000 आपकी सैलरी होगी। आपको पता है 3 मंथ्स प्रोबेशनरी पीरियड होता है और अगर आपका काम अच्छा लगा तो देन आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। माँ बस करें, खाना खा लें और थोड़ा सा आराम कर लें। हाय बेटा, हमारे नसीब में आराम कहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से आ रही हो बेटा? अभी तो बहुत थकी हूँ, मुझे भी खाना खाना है। मेरे लिए भी एक रोटी बना देना, बहुत भूख लग रही है। रोटी बनी हुई मैं खाना ले आती हूँ, आप मुझे फ़ोन करके बता देती, मैं खाना गर्म करके रखती। बेटा तुम ये खा लो ना। अच्छा बताओ कहाँ से आ रही हो? मैं एक स्कूल गई थी जॉब इंटरव्यू के लिए। क्या पढ़ाई छोड़ के तुम नौकरी करोगी? तो और क्या करूँ, पर आज की तनख्वाह काफ़ी नहीं है। अच्छा भला तो कमाता है। आपका ख्याल है, सब मामा के गुजारा होता है। उफ़ अभी दिन ही कितने हुए तुम्हारी शादी को और तुम्हारा गुजारा नहीं हो रहा। 60,000 तनख्वाह है, घर का किराया भी दो, बिजली का बिल भी दो, ग्रोसरी भी करो, अम्मा को भी पैसे भिजवाओ, फिर अपने खर्चे भी निकालो। मामा की जिंदगी गुजारी है, किसी अमीर आदमी शादी करा देगी ना तो ये सारे मसले नहीं होने थे मेरे साथ। आप ही तुम्हारे मसले ना तब भी वहीं रहने थे। क्यों भाई, हर मसले की जड़ ना पैसा है, पैसे हो तो कोई मसला नहीं होता। और वैसे भी फराज ना कुएं के मेंढक हैं, तरक्की तो करनी नहीं उन्होंने कभी। अच्छा तो तुम्हारी कितनी तनख्वाह लगी है? 25,000, कल से नौकरी शुरू करनी है। चलो फिर इसमें से 17,000 ना मुझे इस पैकेज की किस्त अदा कर दूँ। क्या, मैंने किस्तें भरने के लिए नौकरी नहीं शुरू की है?
जहेज में तुम इस्तेमाल कर रही हो ना? जहेज अब्बा ने दिया है तो किसने मैं क्यों भरूं? तो क्या अब्बा ही रहेगी तुम्हारे तमान भरने के लिए? बेटियों को ब्याहना भी ना माँ बाप की जिम्मेदारी होगी। और तुम्हारा क्या फर्ज है? अच्छा बस करो ना, चुप करो। तुम्हें अपना कोई फर्ज याद है? जब भी मैं आती हूँ ना मुझे ताने देती रहती है, घर आके भी बेइज्जत करती है, यहाँ पर भी। अब मैंने ना यहाँ आना ही नहीं है, जा रही हूँ मैं बस। बेटा तुम भी थोड़ा हाथ हल्का रखा करो ना। अम्मा देखा नहीं अपने हिसाब की कितनी पक्की है, ये तनख्वाह से एक पैसा नहीं लगाएगी और अब्बा की सारी तनख्वाह ना इसके हिसाब चुकाने में लग जाएगी, वो खर्च करेगी। अच्छा तुम अकेडमी जाओ, लेट हो जाओगे, और हर वक्त उसे मत बोला करो, गुस्सा चढ़ जाता है उसे। ठीक है अम्मा। वालेकुम सलाम। आज आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। क्या मतलब? लगता है रात की बातों का कुछ असर है। आप चेहरे भी पड़ने लग गए। माँ जब दिल और दिमाग किसी की मोहब्बत में झगड़े जाते हैं तो फिर बहुत कुछ समझ में आता है, लहजे भी, बातें भी और आंखें भी। क्लास का सुने, आज जब अपनी क्लास से फ्री हो जाए तो मुझे मिलके जाएगा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी। अस्सलामुअलैकुम अम्मा जी, इसे गुप्ता खाला ने भेजा है। वालेकुम अस्सलाम, क्या है ये? हलवा है ये। वाह थैंक यू नवीद, तुम जा। लग तो बड़ा अच्छा है। मुझे कहा फराज उनके दोस्तों के लिए भी रख लेती हूँ कुछ। नहीं मैंने मिलाया। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता ताई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी प्यारी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये हलवा कितने मजे का आपने भेजा है, पहली बार मैंने इतने मजे का हलवा खाया होगा शायद। हाँ खास अपनी बेटी के लिए, मुझे पता है ना मेरी बेटी को शुरू से ही मीठा पसंद है। मुझे क्या आपने खुद बनाया है? नहीं बेटा, मुझे पिशावर से किसी ने तोहफा भेजा है। अब तुझे पता है ना मुझे तो शुगर है, नवीद की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा मैं अपनी बेटी को भेजती हूँ। अब तूने खाया मैंने खाया, यही की बात है। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता ताई। राहत बेटा तुमने तो मुझसे आज तक उफ तक नहीं की। अम्मा जी मैं आपको अपनी सगी माँ समझती हूँ, लेकिन वो शगुफ्ता है ना उसने तो अम्मा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, क्या बात है अम्मा, मुझे देख के खामोश क्यों हो गई? क्या कहा है शगुफ्ता ने, कुछ तो बताए ना। कुछ नहीं बेटा। अरे अम्मा कुछ तो बताए प्लीज। हाँ अम्मा, हमें नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? वो जो शगुफ्ता के यहाँ बच्ची काम करती है ना, आशा गुफ्ता उसको बहुत मार रही थी, मैं उसको बचाने गई तो क्या बताए ना, तो उसने धक्के देके निकाल दिया मुझे घर से। उसकी ये जरूरत कि मेरी माँ को धक्के देकर निकाले, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शुक्र नहीं बेटा, तुम्हें मेरी जान की कसम तुम वहां नहीं जाओ। अम्मा उसकी इस बदतमीजी पर हम क्यों चुप रहे हैं? बेटा वो बहुत बदलिहाज हो गई है, बहुत जालिम हो गई है, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी भी बेइज्जती करे। अब तो उसे सबक सिखाना और जरूरी हो गया। अपनी इज्जत अपने हाथ में शाकिर, अम्मा ठीक कह रही हैं, उसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा लोग तमाशा देखेंगे। अम्मा आप ऐसा करें, आप बस यहीं आ जाएं हमारे घर। नहीं बेटा, अब मैं करीम का घर मर के ही छोड़ू। अरे अम्मा वो घर तो आप ही का रहेगा ना। तो मैं उस शगुफ्ता के लिए अपना घर बार क्यों छोड़ू? तो बस ठीक है, आज से आप उससे कोई बात नहीं करेंगी,
ताल्लुक वास्ता खत्म। लो भाई, मटल्लो से मंगनी की खुशी में जी भर के मिठाई खाओ। अम्मा तुम तो हथेली पे सरसों जमा रही, अभी लड़की देखने गई और आज ही मंगनी कर आई। मुझे खुदा की कसम बहुत खुशी हुआ है, जैसे ही तुमने हमको बताया ना, हम सबसे अच्छे दुकान से मिठाई लेकर आए। भाई गुलखान, कल लड़की वाले आ रहे हैं नवीद की मंगनी की रस्म करने। एक दफा ये रस्म हो जाए ना, फिर इसी दुकान से मिठाई मंगा के पूरे मोहल्ले में बांटूंगी। मिठाई तो वाकई बहुत मजे की है। वैसे भाजी, ये नवीद भी तो ठीक ही कह रहे हैं, तुमने इतनी जल्दी कैसे रिश्ता पक्का कर दिया? बस गुलखान बताऊंगी, रिश्ता है ही बहुत अच्छा। ये शादी हो गई ना गुलखान, पूरे शहर में धूम मच जाएगी। और तुम्हें पता है, लड़की नवीद को अमेरिका भी लेके जाएगी। फिर तो हमारे भी वारे नियारे हो जाएंगे। भाजी तुमने तो बहुत लंबा हाथ मारा है। डेढ़ मुबारक शन नवीदा। अनाम, अनाम जल्दी आओ। सलमान ये हमारी भाभी है ना। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। और ये सलमान मेरा कॉलेज फेलो, बहुत अच्छा दोस्त है। आजकल दुबई में होता है, एज इंजीनियर वहाँ पर काम कर रहा है। भाभी आपके और फराज के लिए मैं कुछ गिफ्ट लाया। बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं, तुम जल्दी से खाना लगा दो, बहुत दुख लग। अभी लगा दो। वैसे तुम अब भी नहीं सुधरे, शादी के बाद भी वैसे ही। क्यों बदलूं? आओ। आप लोगों के साथ ये वक्त इतना अच्छा गुजरा कि मैं बता नहीं सकता। मैं भाभी फराज से तुम्हें 5 साल बाद मिल रहा हूँ। आप लोगों को तो देख के लगता है जैसे हर रोज मिलते होंगे, इतनी अच्छी दोस्ती आप दोनों की। दोस्ती तो हमारी बहुत अच्छी, और हम 2-4 दिन में बात करते ही रहते हैं, बस मुलाकात 5 साल बाद। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भाभी आप बहुत लकी हैं जो आपको फराज मिला, ये बहुत ही ईमानदार, हमदर्द और नेक नियत आदमी। देख लिया, यहाँ तो अंजुमन सताइश बामी शुरू हो गई। ये महल बात चले आप लोग। अच्छा फराज, एक अहम बात, मैंने अभी एक प्लॉट लिया 1 करोड़ का। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अच्छा ये भी लो ना। बहुत शुक्रिया। उसकी एक जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। क्या? मैं हर 2 माह बाद तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए भिजवा दिया करूँगा। उस प्लॉट की किस्तें तुम भरोगे। यहाँ लोग प्रॉपर्टी में बहुत फ्रॉड करते हैं, मुझे एक रिलायबल आदमी चाहिए, और मेरी नज़र में तुमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। जैसा तुम कहो भाई, तुम्हारे लिए दिलो जान दोनों हाजिर। हलवा बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैं तुम पर आंखें बंद करके एतबार करता हूँ, जैसे अपने आप पर। तो तुम्हें मैं कल उनके ऑफिस ले चलता हूँ और तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। चाय की बहुत तलब हो रही थी। जानती हूँ सुबह से आप अपने दोस्त के साथ बिजी थे। आपका दोस्त बहुत अमीर है ना? हाँ, दुबई में एक ऑयल कंपनी है, वहाँ पे इंजीनियर। तुम्हारे हलवे की बहुत तारीफ कर। अच्छा, मुझे बताया नहीं आप कहाँ से आए थे? फैजाना आवाज नहीं भेजा था। जब ही तो। अच्छा आज हम जल्दी सो जाते हैं क्योंकि तुमने सुबह यूनिवर्सिटी जाना और मैंने बैंक जाना। मैंने ना यूनिवर्सिटी नहीं जाना, स्कूल जाना है। क्या मतलब? कौन सा स्कूल? एक एड देखी थी, वहां जाके इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। क्या तुमने
मुझसे पूछे बगैर ही डिसीजन ले लिया। और फिर से भी तुमने तो भी अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी। हाँ तो मेरा फाइनल ईयर है, एग्जाम्स होने वाले हैं, मेरी तैयारी मुकम्मल है, तब तक जॉब करूंगी और फिर अपने हालात बेहतर करके ना अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। तुम अपनी ये ख्वाहिश आपको लगाम था क्यों? अच्छी जिंदगी की ख्वाब देखकर उसे पूरे करना, मेहनत करने में कोई बुराई है क्या? किसी का हक तो नहीं मार रही ना, खुद मेहनत कर रही हूँ। क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल रही हो? जॉब करना कोई आसान बात नहीं है। मैं जॉब गाड़ी के लिए कर रही हूँ। गाड़ी? हाँ तो मेरे पैसे गाड़ी की सारी किस्तें निकल जाएंगी। तुम मेरी, आप सुबह ही जाके गाड़ी के लिए अप्लाई कर दो। मुझे नहीं पता मुझे गाड़ी चाहिए हर हाल में। बस मैं सोने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम और क्या कर रही हो? मैंने सोचा इस वक्त तो तुम फ्री होगी। अब्बा के कपड़े प्रेस करने जा रही थी। कभी तुम मेरे कपड़े भी प्रेस करोगी? नहीं। यानी मैं अपने कपड़े खुद प्रेस करूंगा? हमाद, आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में फिलहाल बात नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि हालात बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती, फिर इंसान को एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब दिल टूट जाए आप संभालना मुश्किल हो जाता है। माम कभी कभी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होना भी इंसान को बिटर एंड ड्राई बना देता है। ठीक कह रहे हो। लेकिन मैं इस वक्त सीरियस मूड में नहीं हूँ। मतलब? रियलिस्टिक होना अच्छी बात है, मगर इंसान को थोड़ा फैंटेसी में भी रहना चाहिए। वो क्यों? फैंटेसी इंसान को होप देती है। फैंटेसी और रोमांस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, वो कैसे? आंखें बंद करो और सोचो, तुम और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़े फूलों भरे रास्ते पर चल रहे हैं, या फिर सितारों भरी रात में पूरे चांद की चांदनी को अपने अंदर समोने की कोशिश कर रहे हैं। कितना खूबसूरत होगा ना ये एहसास। वाह, आपको तो शायर होना चाहिए। क्या खूबसूरत बात है, शायर के अलावा हम इंसान नहीं कर सकते। ऐसा साथ और जज्बात तो सबके अंदर होते हैं। वैसे तुमको मेरी ये बातें कैसी लगी? बहुत अच्छी। और मेरा साथ? वो भी बहुत अच्छा। इट मींस मैं कामयाब हो गया। क्या मतलब? मोहब्बत की बात मोहब्बत भरे अंदाज में आपके दिल तक पहुंचाने में, और यकीनन आप इस वक्त मुस्कुरा रही होंगी। बहुत खूब बातें करते हैं आप। थैंक यू। आपने मुझे स्कूल भी छोड़ने जाना है, आप नाराज तो नहीं हो ना? हस्बैंड को बताए बगैर खुद डिसीजन लेने लगी। अब जाओ खुद स्कूल। मुझे लगा था आपको इतराज नहीं होगा, आप खुश होंगे सुन के मिलके। सनम, जिंदगी की रफ्तार के साथ संभल कर कदम उठाना सीखो, वरना भागते भागते गिर जाओ और हाथ में भी कुछ नहीं है। आप है ना मुझे उठाने वाले, आप ही के सहारे तो मैंने डिसीजन लिया था, आप हर कदम पे मेरा साथ देंगे।
बिल्कुल, लेकिन वादा करो ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे जरूर बताओ। वादा, पक्का वादा। चले नवीद की शादी के बाद तो मेरे जेवरात में और भी इजाफा होगा। जरीना ने कहा है कि लड़की वाले सास को भारी सा सेट और कड़े डालेंगे। आओ आओ जरीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। आना तो नहीं था लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि आना पड़ा। हाँ हाँ, कुछ खाओगी बताओ। नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वो लड़की की माँ ने मुझे फोन करके बुलाया था। अच्छा क्यों? उन्होंने ये अंगूठी वापस करके रिश्ते से इनकार कर दिया है। वो क्यों? उन्होंने तुम्हारे और नवीद के बारे में सब कुछ पता लगाया है और उन्होंने मुझे कहा है कि हमें ऐसे लोगों के घर अपनी बेटी नहीं ब्याहना। क्या मतलब, कैसे लोग हैं हम? ये तो तुम्हें भी पता है शगुफ्ता कि तुम और नवीद जो कुछ करते हो ना किसी से ढका छुपा नहीं है। वो और बात है कि तुम्हारे मुंह पर कोई कुछ नहीं बोलता। मैं तुम्हें बताऊं शगुफ्ता, ऐसे काम करने वालों को कोई भी इज्जत की निगाह से नहीं देखता। अच्छा, और ये जो चोर डाकू रिश्वतखोर स्मगलर, इनके बच्चों की शादियां नहीं होती, इनके बारे में तो कोई नहीं बात करता, इनको तो फौरन रिश्ते मिल जाते। अरे भाई शगुफ्ता, जो कुछ था मैंने तुम्हें बता दिया, और वैसे भी नवीद कुछ भी तो नहीं करता। जब अमेरिका जाएगा तब की तब देखी जाएगी। मुझे तो वैसे भी वो लड़की नहीं पसंद थी, इतनी मोटी भैंस, मैंने तो तुम्हारी बातों में आके हाँ कर दी थी। तुम मेरे नवीद के लिए कोई और रिश्ता ढूंढो। अब तभी मैं कोई रिश्ता लाऊंगी जब नवीद अमरीका चला जाएगा। जाओ जाओ जाओ, कराना भी नहीं है मुझे तुमसे कोई रिश्ता, खुद ढूंढो अपने बेटे के लिए जबरदस्त लड़की का रिश्ता, खूबसूरत अच्छी। खूबसूरत अच्छी लड़की माँ हम। क्या हुआ शाकिर भाई? कुछ नहीं, बस घबराहट सी हो रही है। सब ठीक तो है ना? जी जी ठीक है सर। बॉस से मुलाकात हुई? जी हो गई। आप परेशान ना हो मुदसर भाई, मैं ठीक हूं, आप अपना काम करें। बेटा मैं मुदस्सर बात कर रहा हूँ शाकिर भाई के मोबाइल से। अब्बा कहाँ हैं? हाँ बेटा मैं हॉस्पिटल लेके आया हूँ उन्हें, उनको फिर से हार्ट अटैक हुआ है। कैसे? आप हॉस्पिटल पहुँचो, मैंने भाभी से बात कर ली है, वो भी आ रही हैं। मैं अभी आ रही हूँ। कैसे हो गया? लेके आए हमें तो फोन पे पता चला, भाग के चले आए। बेटा वो शाकिर भाई की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी, ज्यादा खराब हुई तो हम हॉस्पिटल ले आए।
तब तक उन्हें हार्ट अटैक हो चुका था। अम्मी, अब्बा की तबीयत कैसी? अब्बा की तबीयत कैसी है? बेटा अभी सुबह से कुछ नहीं आया, दुआ करो कि सब खैरियत से हो। सुबह से उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, काफी पसीने हो गए थे। पता नहीं मेरे बेटे ने क्या रोग लगा लिया है जो बार बार हार्ट अटैक हो रहा है उसे। हौसला करें अब्बा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम किधर थी यार? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो मैं अपने दोस्त से बात कर रही था। प्लीज अब मुझे जाना चाहिए, घर वाले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरी जरूरत हो तो प्लीज मुझे एक सिर्फ कॉल कर दीजिएगा। जी शुक्रिया। थैंक यू बेटा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। माँ बेटा तू भी डॉक्टर से पता करो, उसे पूछो उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा। मेरे साथ में जाता हूँ। आप ठीक हो जाएंगे, आप हौसला करें, कुछ नहीं होगा अब्बा को। आपको जल्दी से ठीक होना, वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगी। इस हालत में देख के तुम्हारी माँ मर जाएगी बेटा, संभालो खुद को। शाके हमारा सोचे, आपके बगैर हम। अब आप लोग यहाँ से जाएं। अब आपको हमारी कसम, आपने जल्दी ठीक हो जाना। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इन्हें घर ले जा सकेंगे, लेकिन अभी इस वक्त आप यहाँ से जाएं। आनम बहू, फराज भी रात भर यहीं थे, फजर में गए, उन्होंने बैंक जाना था। चलिए अब जाएं आप यहाँ से। सर मिस माम आज नहीं आई, उनके स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स का फाइनल पेपर है और सर उन्होंने उसकी तैयारी करवानी थी। सर अमार, आप तो टाइम टेबल इंचार्ज हैं, आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मैं वेट कर रहा था, शायद वो आ जाएंगे। वो किस कदर गैर जिम्मेदार हैं कि बगैर इन्फॉर्म किए छुट्टी कर बैठी। आप उनको कॉल करें। सर मिस माहम का नंबर ऑफ जा रहा है, मुझे लगता है उनके साथ कोई परेशानी होगी होगी, नहीं तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कल तक वेट करें और आप उनकी आज की क्लास मैनेज करें। अगर वो कल तक ना आए तो उन्हें टर्मिनेट कर दें। जी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, आप कैसी है, आप तबीयत आपकी? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा फराज ये बात बताओ मुझे, बेटे तुम्हें तनख्वाह मिल गई? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब जी जी अम्मा, कल ही तनख्वाह मिल गई थी। वो ना शाकिर चचा को रात हार्ट अटैक आया तो मैं सारी रात हॉस्पिटल में रहा हूँ। अभी बैंक जाते हुए मैं आपको 10,000 रुपये भिजवा देता हूँ। शुक्रिया बेटा, इस जल्दी कर देना, बहुत जरूरत है। जी जी अम्मा, आपको एक घंटे के अंदर करवा रहा हूँ। खुश रहो बेटा, अल्लाह अपना करम करे। अल्लाह की अमान। अल्लाह। नाश्ता कर ले। हाँ। वो आपको पे नहीं मिली अभी तक? कल ही मिली। अच्छा, आपको तो चाहिए कि आप पे ला के सबसे पहले मेरे हाथ में रखें, जैसे मेरे अब्बा मेरी अम्मा के हाथ में रखते हैं।
वैसे भी शादी के बाद ना शौहर की तनख्वाह पे पहला हक बीवी का होता है। हरगिज नहीं। क्यों? मैंने भी घर के अखराजात निकाल लिए, बिजली का बिल देना है, घर का किराया देना है, ग्रोसरी, पर अम्मा को भी तो 10,000 भेजने हैं। 10,000 रुपए? अम्मा तो अकेली रहती है ना, कितने खर्चे नहीं, हमारे अखराजात ज्यादा है। मैं हमेशा अम्मा को 20-25,000 रुपया भेजता, इस पर अखराजात ज्यादा होने की वजह से 10,000 भेज रहा। वैसे भी अम्मा ने जो पैसे जमा किए थे हमारी शादी पर लगा दिए। अम्मा बीमार रहती हैं, उन्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है। घर का जो एडवांस है वो भी तो देना है, कहाँ से देंगे? बैंक में मैंने लोन अप्लाई किया हुआ, पर अनम प्लीज तुम मेरे और अम्मा के मामले में ना बोलो। अपनी जॉब शुरू कर ली है ना तुम, तो उठाओ खुद भी खर्चे। तुम्हारा हमेशा से रोना रहा है कि मैं तुम्हारे अखराजात पूरे नहीं करता, तो उठाओ फिर। फिर किस गलदा